एमसी स्टैन बिग बॉस 16 के ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने निडर और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। स्टैन घर में ज्यादातर शांत ही नजर आते हैं, लेकिन फैंस के बीच उनका जबरदस्त क्रेज है। अब तक स्टैन शो से बाहर जाना चाहते थे, लेकिन फिनाले से कुछ हफ्तों पहले उन्होंने शो में बने रहने का फैसला किया, जिसके लिए रैपर अब पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। वहीं अब कभी न रोने वाले स्टैन को शालीन भनोट की बातों ने इतना परेशान कर दिया कि वो टूट गए। शालीन भनोट, शिव ठाकरे और स्टैन गार्डन एरिया में बैठकर बात कर रहे होते हैं। बातचीत के दौरान शालीन कहते हैं कि शिव ठाकरे स्टैन से ज्यादा बिग बॉस 16 जीतने की काबिलियत रखते हैं। रैपर को शालीन की ये बात अच्छी नहीं लगती और वो भड़क जाते हैं। शालीन से उनकी थोड़ी झड़प भी हो जाती है, जिसके बाद स्टैन इमोशन हो जाते हैं और रोने लगते हैं। रोते हुए स्टैन ने कहा कि हर कोई उन्हें नीचा दिखाता है, उनका मजाक उड़ाता है। वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, फिर भी लोगों को उनसे दिक्कत है कि एकदम से वो कैसे स्टार बन गए, कहां से आए हैं, कैसे आए हैं। नाराज स्टैन ने यह भी खुलासा किया कैसे लोग उनके महंगे जूतों और डायमंड ज्वेलरी का मजाक उड़ाते हैं। रैपर ने कहा कि जो अमीर है और महंगे जूतों व कपड़ों का शौक रखते हैं, वो भी उन पर कमेंट करते हैं। जब लोगों के पैसा है तो वो उनकी चीजों का मजाक क्यों बनाते हैं। दोस्तों, एमसी स्टैन के बारे में आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं।